नमस्कार दोस्तों, मैं राशि सेठी स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश एंटरटेनमेंट दरबार में, जहां एंटरटेनमेंट जगत की चकाचौंध से भरी खबरें हम लेकर आते हैं आप तक। फिल्मी भूतों के शिकार हुए लोगों का इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है। 15 अक्टूबर 2020 से सभी फिल्म थिएटर के ताले खुल चुके हैं और 50% सीट्स के साथ लोगों का थिएटर में फिल्म देखने की इच्छा पूरी होने जा रही है। अब देखने वाली बात ये है कि थिएटर में दर्शकों को कौन सी फिल्म देखने को मिल सकती है। व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने ट्वीट करके यह जानकारी भी दे दी है। उन्होंने ट्वीट में बताया कि जहां 15 अक्टूबर से थिएटर खुल गए हैं, रिलीज होने वाली फिल्मों की सूची भी बन चुकी है। इस सूची में जगह बनाने वाली फिल्में हैं ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर, अजय देवगन की तानाजी, तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ, आदित्य रॉय कपूर की फिल्म मलंग और आयुष्मान खुराना की फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान, और इस सूची में फिल्में जुड़ने की संभावना भी है। तरण आदर्श ने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की बात भी की। उन्होंने लिखा कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्मों को भी बड़े पर्दे पर रिलीज करने की बात की जा रही है। इन फिल्मों के नाम है दिल बेचारा, सड़क 2, शकुंतला देवी, खुदा हाफिज, गुंजन सक्सेना और गुलाबो सिताबो। लेकिन बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन्स जैसे PVR, आईनॉक्स और कार्निवल इसके हक में नहीं है। रणवीर सिंह की 83 इस साल क्रिसमस पर रिलीज होगी, लेकिन अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को अगले साल में रिलीज करने की बात की गई है। एंटरटेनमेंट जगत की सैर में आज के लिए बस इतना ही। आगे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। धन्यवाद।